मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खेतिया और राखी बुजुर्ग के कर्मचारियों ने शासन के समक्ष अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। कर्मचारियों का मानना है कि शासन द्वारा हमारी मांगों को लेकर बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। शासन द्वारा घोषणा और निर्देश के बाद भी अब तक हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी समिति के माध्यम से चलाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की राशन दुकानें प्रभावित हो रही हैं। वहीं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह को देखते हुए किसान आदिम जाति सहकारी समिति के चक्कर लगाकर अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण होने तक उनके द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर आज कर्मचारियों ने जिला सहकारी बैंक की शाखा के समक्ष अपना प्रदर्शन निरंतर जारी रखा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नारे लगाते रहे, वहीं ढोलक की थाप पर भजन भी गाते रहे। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। हमारे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर लंबित मांगे जो विगत वर्षों से चली आ रही है, उन समस्याओं का निराकरण नहीं होने से पुनः 25/3/2022 पर है सभी कर्मचारी घर, जिसमें सोसाइटी तथा सार्वजनिक दुकानें पूर्ण रूप से बंद है तथा हड़ताल के समर्थन में सभी कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। ये महासंघ के आह्वान पर चल रही है। कब तक चलेंगे आपकी? इसका कोई समय नहीं है, आने वाले समय में इसका जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही हड़ताल समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।